नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी। वहां से बहुत आयात में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान जानकर खोज करने निकल पड़ा, अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटते दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया था कि उसे जीने की तमन्ना ही नहीं रही। एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। अचानक उसे पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर सूर्य की किरणें पड़ने से चमक रहा है। किसान ने झुककर उस पत्थर को उठाया और उसे घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि वह सजावट के काम आएगा। उसने उसे घर पर ही सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो क्या? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, उसका दोस्त बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत के किनारे नदी में से मिला है। वहां ऐसे और भी कई पत्थर हो सकते हैं। दोनों जब खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर के नमूने और उठाए और उन्हें जांच करने के लिए जब भेजा और जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने ही खेत में उसके कदमों तले थी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहले किसान के कदमों तले ही हीरे थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और पहचान कर भी उन्हें महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की, और धैर्य से अनवरत कार्य करने से सफलता प्राप्ति निश्चित होती है। धन्यवाद दोस्तों।